गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं आपको टेबल टेनिस गेम कैसे खेली जाती है उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और उसके बाद जो रूल्स हैं वो भी आपको बताऊँगा कि आप उस रूल के हिसाब से आगे खेलते जाइए, क्योंकि ये गेम बहुत बहुत आजकल पॉपुलर होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको रैकेट को कैसे होल्ड करते हैं वो बताऊँगा। इसको होल्ड करने के लिए दो तरीके हैं। एक है सेकेंड, जैसे सेकेंड करते हैं उस सेकेंड के बेस के ऊपर सीधा जो है ये जो अपना लेके आने के तीन उंगलियां इसके इसके बेस के ऊपर आने चाहिए, एक उंगली इधर और थंब जो ये पीछे होना चाहिए। इस पोजीशन में अपने को रैकेट होल्ड करने की, और ये फिर अपने को बिल्कुल लूज रखने का है, उसको स्ट्रिक्टली टाइट नहीं पकड़ने का। टाइट पकड़ोगे तो आपकी जो रैकेट मूव नहीं होगी, जो आपको फ्रीली कर खेल सकते हो नहीं होगा कहीं भी आपका जाए, इसलिए उसको आप बिल्कुल लाइटली लूज पकड़ के रखिए। एक ये और दूसरा है अपना ये पेन होल्ड। पेन होल्ड लगभग मोस्टली चाइना और जापान में चलता है, यहाँ इंडिया में नहीं चलता। इंडिया में अपना जो है मोस्टली सेकेंड जो है सिस्टम होल्ड चलता है, उसके अब अपन पेन ऐसे होल्ड करते हैं। इस पेन होल्ड करने के हिसाब से सीधा ऐसे पकड़ा और ये हुआ, उसमें ये अंगूठा ऊपर आएगा उंगली इधर और ये तीन उंगलियां पीछे जाएगी, जिस हिसाब से अपनों को इसे सर्विस करने की है। अभी उसके बाद मेन जो है बाल को अपने को सेंटर पर लेके आने का है, उसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि बॉल अगर जो बीच में लगता है तो आप जिस डायरेक्शन में मारोगे जैसे मारोगे उससे साथ जाएगा, और दूसरी आप इसको स्ट्रोक कैसे अपने को फास्ट जाना है, स्लो जाना है, चॉप खेलने का है, जैसे स्विंग खेलने का है वो आपको मालूम पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करने का, रैकेट को ऐसे पकड़ते उसके बाद अपने को बॉल को सीधा जो है वो ये होल्ड किया, होल्ड करने के बाद इसको आप ऐसे करो, ये बॉल जितना भी सेंटर में लगेगा वो सेंटर के हिसाब से आपको सेट डेली प्रैक्टिस करनी। बैकहेंड भी अपना उसी हिसाब से होता है, इसको जैसे ऐसे बैकहेंड से मारेंगे सेट उसमें भी आपको ऐसे होगा। अभी धीरे धीरे किया फिर जोर से मारेंगे तो अपने जोर से जाएगा पौन, तो ये बॉल जो है उसी हिसाब से आपकी, और ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की है घर में बैठे बैठे, तो आप उसको बराबर कंट्रोल कर सकोगे। चलिए मैं अभी आपको बाल, क्योंकि बाल और बैट का आपस में संपर्क होना चाहिए, उस बाल को कैसे पकड़ना चाहिए। सारे बच्चे जो है कभी ऐसे पकड़ते हैं, कभी इसको अपने को ऊपर पाँव पे ऐसे सीधा रखने के बाद रैकेट अपने मारे, और शरीर सभी कैसे करते हैं वो अब मैं आपको बताता हूँ। शरीर से सिंपली आपको ऐसे रेस करने का है, ये गई आपके शरीर, एक बाउंस इधर हो गया सामने वाले में दूसरे बाउंस में जाना चाहिए और नेट क्रॉस करना चाहिए। अगर वो नेट क्रॉस होती है सामने वाला डायरेक्ट मारेगा तो आपका जो है वो पॉइंट आपको मिलेगा, उसको डायरेक्ट में उसको एक ही बाउंस में मारने का है। उसी हिसाब से ये आप ऊपर से रेज करके भी कर सकते हो, सीधा ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है उसी हिसाब से। और दूसरा आप उसको स्पिन भी कर सकते हो, स्पिन कैसे करेगा वो सेम सीधा ऐसे स्पिन कर सकते हो बिल्कुल ऐसा। और जितना भी शरीर आप नेट के आगे दोगे तो सामने वाला आपको समझ नहीं करेगा, उसको उठाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होगा, और वो बाल आपको रेस करके देगा, आप उसको ऊपर समझ कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए, दोनों पाँव में कम से कम 45 एंगल के हिसाब से आपकी वो दूरी होनी चाहिए, और बाल को जितना टेबल से आपको 10 इंच 12 इंच दूर रहना है, क्योंकि भाई अगर आगे जाओगे तो आपका फाउल हो सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल पीछे ही रहने का है 10-12 इंच के हिसाब से। अभी मैं आपको सर्विस दिखा दूँ, सर्विस कैसे करने की है। अभी बैकहैंड से कैसे सर्विस करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको स्पिन सर्विस कैसे होती है उसका फॉरहैंड और बैकहैंड दोनों तरीके बताता हूँ। फर्स्ट फॉरहैंड, ये
ये एक हुई, अभी दूसरा आपको बता। हाँ बच्चों, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे गेम खेलते हैं और कैसे अपने सर्विस को पिक करते हैं। सर्विस करने के टाइम पे अब देखिए, एक बाउंस इधर होना चाहिए सर्विस, जो सर्विस करता है उसके, और जो सामने वाले आपके को है आपको उसके लिए उसको एक बाउंस भी उसको उठाने का है। उससे पहले अगर उसने उठा लिया तो वो पॉइंट चली जाएगी। राइट, देखिए बराबर एक ही बाउंस में उधर जा रहा है और उधर से वो खेलेगा तब जब वो उठाएगा। स्टार्टिंग में सर्विस जितना हो सके सिंपल और सेफ करनी चाहिए ताकि अपने को पॉइंट मिलते रहे और गेम एकदम होता जाता है। अभी नेक्स्ट अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि सर्विस जो जाती है उधर अपोनेंट जो है वो उसको कैसे पिकअप करेगा। उसको पिकअप करने के लिए डायरेक्ट भेजने का, जैसे एक बाउंस लिया तो उसने मारेगा तो सीधा इधर आना चाहिए और इधर से फिर मेरे को एक ही बाउंस है उसको डायरेक्ट देने का है, सर्विस नहीं करने की है, तो डायरेक्ट उसको पसंद का। इसी तरह वो आमने सामने विदाउट बाउंसिंग सामने रिसीवर को बाउंसिंग में लेने का है और सर्विस करने वाले को भी बाउंसिंग में लेने का है, इस हिसाब से अपने को खेलने का है। Now we will try to play only using forehand. Okay, बच्चों, जैसे अभी हमने forehand के साथ खेला, अभी आपको मैं बैकहैंड के साथ फिर के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है नेट है, ये नेट जो है दोनों पोर्शन को बीच में सेंटर में डिवाइड करती है और इसी नेट का इतना है कि बॉल जितना भी है इस नेट को क्रॉस करके जाए तो अपने को पॉइंट मिलेगा एक बाउंड में, अगर नहीं तो सामने मिलेगी। अभी मैं आपको सर्विस करके दिखाऊंगा कैसी होती है। सर्विस करते वक्त समय अगर बॉल नेट को टच होके इधर गिरती है तो रीसर्विस होगी। आई होप आपको टेबल टेनिस के बेसिक समझ में आ गए होंगे। आगे हम आपको और भी ज़्यादा बताएंगे।